देखा, मरदान देखा। हाँ, तो इतना डिसिप्लिन नहीं था। इमदादी सरगर्मियाँ बहुत अरूज पे थी, बहुत अच्छे जो माल की खेत थी मौजूद थी, वहाँ भी हमें काफी ऑर्गेनाइज नजर आया। क्या आप भी इस चीज़ में ऐसा ये चीज़ें देख रहे हैं पॉजिटिव के लिए, आपने कोई एनोमलीज देखी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इमरान और आसिम। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्वाबी में तमाम चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है, बड़ी वेल प्लान है। मे बी के जो बाकी जिलों में जो कुछ कमियां आ रही थी उनको यहाँ पे कवर अप कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो स्वाबी ज़िले के हवाले से कि यहाँ के अवाम का इखलाक और जिस तरह से मोहब्बत है वो भी सबके सामने है। सेकेंडली, स्वाबी जो है एक ऐसा ज़िला है कि जो बड़ा लिटरेट है। यहाँ पे लिटरेसी रेट पूरे सरहद में जितने भी अजला हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। बाय एवरेज हर गांव में 2 से 3 प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने कुछ चीज़ें नोट की वो ये है कि एक तो हमें जो आवाम लोग आ रहे हैं जो एफेक्टिव हैं उनको मेंटली ये प्रिपेयर करना है, उनको ये मेंटली बावर करवाना है कि यहाँ पे उनको घर वाली सहूलतें नहीं मिलेंगी। वी हैव टू मेंटली प्रिपेयर देम, उनको ये बताना होगा कि कुछ मुश्किलें उनको बर्दाश्त करनी होगी। जब एक दफ़ा हम उनको मेंटली प्रिपेयर करेंगे तो आप जो भी एक्टिविटीज़ उनके लिए करेंगे वो खुश इसलूबी के साथ उनको तस्लीम करेंगे। सेकेंडली, यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम मैंने एक कुछ फूड जहाँ पे डोनेट किया जा रहा था वहाँ पे मैंने ये देखा कि यहाँ के वो लोग जो कि बहुत अरसे पहले से अपने आईडी कार्ड बुनेर और माराकंड वगैरह के हैं और बहुत पहले से यहाँ पे ज़मीनों में काश्तकारी के लिए मौजूद थे, वो लोग भी वो फूड ले रहे हैं और उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश होगी कि बजाय इसके कि हम देखिए, ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आपके डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास लेकिन वो यहाँ पे सेटल्ड है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक होगा। इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो आए हुए हैं, बाजौड़ से आए हैं, बुनेर से आए होंगे, स्वात से, जो यहाँ पे रह रहे हैं। देखिए जी, इस वक्त क्राइसिस है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हम हर लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि जो लूप होल्स हैं, जो जहाँ पे हमारी कमजोरियाँ हैं उसको हम कवर अप करें और काफ़ी हद तक जो मेन जो आई डी पीज हैं, जो इफेक्टिव हैं उनको पहुँचाएँ। लेकिन एज ही मेंशन के उनके पास आई डी कार्ड वहाँ गया तो रजिस्ट्रेशन आई डी कार्ड पे ही हो रही है। जिस बंदे के पास आई डी कार्ड नहीं है उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही। तो मतलब एक लॉजिक उसका बनता है कि ये वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे इसकी तो कोई तस्दीक नहीं हुई। इसी वजह से हमने इन पर यह कहा था कि यूनियन काउंसिल्स के जो हमारे नाजिमीन हैं, जो हमारे यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ से तस्दीक करके आए और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो वहाँ पे हर यूनियन काउंसिल में हमें पता होता है और हमारे नाजिमीन को पता होता है कि कौन बंदा यहाँ पे कब से रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है। साथ साथ ये भी आप बताइए कि जो लोग आपने जैसे बताया कि स्वामी के बहुत से मुस्लिम देहातों में जो लोग हैं, वो गुजरों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, मस्जिदों में रह रहे हैं, आप उनकी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं? अभी ये क्योंकि UNHCR और उनकी टाउन से हो रहा है, UNICEF और उनकी टाउन से हो रहा है। एक बात मैं बताता चलूँ, जैसे तंजीम ने मेंशन किया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो सिलसिला है ये बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये मैं इस फ्लोर पे मतलब इस कैमरे के सामने सबको कहना चाहता हूँ, गंदम देते हैं और कुकिंग ऑयल देते हैं जिससे कुछ नहीं हो सकता, जिससे इन लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स उन्होंने कोई 15 खोले जबकि लोग यहाँ पे 3 लाख बैठे हैं, वो सारे होस्ट फैमिलीज में हैं। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं कैंप्स में उनकी रजिस्ट्रेशन तो हो रही है। देयर आर सो मेनी पीपल वो रिलक्टेंट हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवानी है। ये चीज़ें अगर हम यूनियन काउंसिल के लेवल पे, हमारे ऑलरेडी मतलब एक नेटवर्क है, ग्रासरूट लेवल पे है और वो हम लोगों की हमारी रीच में है, तो उस चीज़ को यूटिलाइज करने की बजाय गवर्नमेंट को, आई डोंट नो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को क्या उनको हो गया है कि वो इसी पीछे और NGO उसको इसके पीछे मांगे कि जी ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है ये ट्रेड लोग करेंगे। अब मुझे समझ नहीं है, एक फॉर्म है जिसमें लिखा है कि भाई फलाना इसका नाम है, फलाना ये इसकी वालिद का नाम है, वालदा का नाम है, इतने इसकी फैमिली के मेंबर है, इसमें कोई आर्ट तो मुझे नजर नहीं आ रहा। इमरान, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक जो बड़ा इशू यहाँ पे चल रहा है कि एक शख्स जो है उसने दो तीन जगह पर जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रही है रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, कोई चेक नहीं है। सेंट्रलाइज जब तक डाटा नहीं होगा तो तब तक ये इशूज चलते रहेंगे। एक फैमिली है, एक कार्ड के ऊपर 8 एवरेज बंदों के लिए कार्ड इशू किया जाता है और एक घर में 4-4 लोग लेके 32 बंदों का राशन लेकर जा रहे हैं जिनमें से 3 बंदों का राशन वो बाहर बेच रहे हैं।
और वहाँ पे एजेंट्स खड़े हैं, तो जब तक कलेक्टिवली कोई चीज़ नहीं होगी तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें इतनी आसानी से हो जाएंगी और लोगों को रिलीफ मिल सकेगा। ठीक है, साइड बाय साइड जो है मॉनिटरिंग से भी काफ़ी ज़्यादा, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसको साथ में लगा रहे, ये भी समझना बहुत जरूरी है, मेंटल ट्रामा से गुजर रही है सब मानकर मिलियन की आवाम, इसमें मेडिसिन और जो मेडिकल हमारे